आज की क्लास कुछ खास है। तो देखिए, हमारे पास ना एक डेटा है। अब डेट ये है कि सबको पता है कि डिफॉल्ट में सिस्टम के अंदर संडे पर वन पोजीशन पे इसका आइडेंटिफाई करता है, वन आइडेंटिफाई करता है डेट फार्मूले में संडे को, टू आइडेंटिफाई करता है मंडे को, और थ्री ट्यूसडे को, फोर इस तरीके से जितने भी नंबर है वो क्या है, हमारे डे को आइडेंटिफाई करते हैं वीक डे के। वीकडे फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है, सॉरी वर्कडे फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें यह पता करना है कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए पार्टी को हमने एक प्रोजेक्ट दिया, उसने कहा कि इस काम को पूरा करने में 7 दिन लगेंगे, जिसमें संडे और सैटरडे की, जो सैटरडे की क्या है इसमें हमें लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे क्या है वो छुट्टी होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 1/11/2022 को, और वर्कडे फंक्शन स्टार्ट डेट को छोड़कर अगले दिन से गिनना शुरू करता है। ध्यान देना, जिस दिन आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया, जिस दिन आपने डेट दी है काम को शुरुआत करने की, उस दिन को छोड़ देगा वो। जैसे आज एक को दिया तो एक को इसको क्या है वो फंक्शन स्किप कर देगा। सैटरडे संडे को हटाकर हमने वर्कडे की सेवन दिन होने, प्रोजेक्ट की अंतिम तारीख लाकर देता है। आपको पता है कि सैटरडे संडे जो है वो हमें क्या है वर्क डे की, यानी 7 दिन होने वाले प्रोजेक्ट की अंतिम तारीख को लाकर देगा। अब सैटरडे संडे क्या है आपके, ये तो खाली क्या है, ये तो आपके वीक डे होते हैं, मतलब जिन पे छुट्टियां होती हैं। अब मान के चलो एक डेट है जिसको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया है अपने पार्टी को, अपने क्लाइंट को, वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को काम करने में 5 डे लगेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहां से क्या है डिलीट कर देता हूं। 5 डे लगने हैं तो देखिए थर्सडे को स्टार्ट कर रहा है, वर्कडे फंक्शन क्या करेगा, इस दिन को छोड़ देगा, अगले 5 दिन काउंट करेगा सैटरडे और संडे को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर वो क्या करेगा, वो डेट लाकर आपको देगा। ये अभी तक हमने देखा कि वो वीकडे फंक्शन क्या कर रहा है, एक नंबर लाके दे रहा है कि इस दिन हो जाएगा, परंतु हमें वर्कडे फंक्शन क्या है, ये वर्कडे आपको लाकर देगा डेट, वर्कडे फंक्शन। अब स्टार्ट डेट क्या प्रोजेक्ट की, ये है, कॉमा लगाएंगे, डेज कितने में, ये ऑप्शनल है, हॉलीडे अभी मैं इसमें कराऊंगा अगले पार्ट में, हॉलीडे मैंने यहाँ ले रखे हैं पहले से कुछ बना के, और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ 8 नवंबर आ रहा है, देखिए प्रोजेक्ट की डेट क्या है 1 नवंबर, 5 जोड़ने पर क्या दिखा रहे हो 8 नवंबर को क्या है कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि जब आप स्टार्ट करेंगे इस डेट को भूल जाओ, फर्स्ट को क्या है जिस दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो उस डेट को भूल जाओ, अगले दिन से क्या है डैश डे से डे को काउंट करना स्टार्ट करता है। देखिए इसको छोड़ दीजिए, वेनसडे यानी दिन काउंट करो 1, 2, 3, सैटरडे और संडे को भूल जाओ 4 और 5, आ रहा नहीं आ रहा है आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है वो 8 तारीख को यानी 8 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है, वो ट्यूजडे को कंप्लीट हो रहा है। अब आपको पता है कि ये फंक्शन हमें निकालने के लिए टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग करेंगे और ट्रिपल डी हम जैसे 4D हम लगाएंगे इस डेट को सिलेक्ट करके जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो हर एक का क्या है मुझे डे पता चल जाएगा 4D प्रेस करने का, ये मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। और आपने देखा अगर मैंने मान लो डे चेंज कर दिया, मैंने कर दिया 10 डेज, तो डेट दिखा रहा है 15 तारीख, 15 नवंबर को हमारा प्रोजेक्ट क्या है कंप्लीट होने वाला है। पर यहाँ पर मैं दोबारा से मैंने जैसे मान लो 6 दिन कर दिए, अब 6 दिन 9 नवंबर दिखा रहा है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या है वर्कडे जो फंक्शन है आपको ना एक डेट लाके देगा जिसमें छुट्टियों को हटाकर वर्किंग डेट आपको लाकर देगा कि इस दिन आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि सैटरडे संडे को छोड़ देगा और फर्स्ट डेट को जहां जिस दिन वो स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट उस दिन को क्या है छोड़ देता है वर्कडे फंक्शन, और बाकी आपको जो वर्किंग डे है उसकी एक डेट लाकर आपको देता है वर्कडे। अब मान के चलो इन्हीं 5 दिन का वर्क मिला है और इन्हीं डेट के बीच में क्या है कुछ छुट्टियां भी हैं, तब हम कैसे इन छुट्टियों को इसमें लगाएंगे। अब देखते हैं, जैसे मान के चलो मैं वो 2 नवंबर की छुट्टी है, 5 नवंबर की और 7 नवंबर की, ये हॉलीडेज है, ये मैंने मान रखा है, एक्चुअल तो नहीं है पर बट ये मैंने माना हुआ है कि हम मान चल रहे हैं कि छुट्टियां हैं हमारे पास।
तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल वर्क डे इंट होता है एक, जब आपको इस तरह वर्क करना पड़े तो उसमें क्या है वर्क डे इंट हम लेंगे। तो वर्क डे इंट से पहले हम वर्क डे पे ही अभी काम करते हैं। स्टार्ट डेट क्या है 1 नवंबर कॉमा कितने दिन इतने दिन कॉमा और होलीडेज। देखो जो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर हमें दे रखा है होलीडेज में क्या, इस डेट को सेलेक्ट कर लो जिनका होलीडे है ठीक है और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ 10 नवंबर दिखा रहा है हमें। अब देखिए 10 नवंबर यहाँ कैसे आया है, सैटरडे संडे तो हम स्किप कर देंगे, फिर ये डेट देखो कहाँ है भाई, दो इसमें ध्यान से देखेंगे, पहली तो छोड़ देगा सेकंड भी छोड़ देगा, एक दो इसकी छुट्टी है, इसकी भी छुट्टी है, इसकी भी छुट्टी है ठीक है, तीन चार पांच आगे, तो 10 नवंबर को मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा है। अगर बीच में कोई छुट्टियां भी आ गई है उन छुट्टियों को भी आप डेट को सेलेक्ट कर लीजिए, क्या करेगा जो इस डेट के बीच में जो छुट्टियां हैं आपको ना उन छुट्टियों को हटाकर सैटरडे संडे को भी हटाकर एक डेट ला के दे देगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इतने वर्किंग डे में क्या कंप्लीट होने वाला, एक डेट आपके पास आ जाएगी कि ये 10 नवंबर तक ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा छुट्टियां और सैटरडे संडे भी हटाने के बाद। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़िए। वर्कडे इंट फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी निश्चित दिन को ही छुट्टी यानी वीकेंड रखना है। अभी तक हमने देखा कि डिफॉल्ट क्या कर रहा है सिस्टम, सैटरडे संडे मान रहा है अपने आप ही, पर हम उसे ना अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। वर्कडे इंट फंक्शन इसलिए ही प्रयोग होता है, हम एक डेट को वहां से चुन लेंगे और उसी दिन की छुट्टी होगी, बाकी दिन वर्किंग डे रहेगा। हमें वीकेंड की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी, जिस दिन वीकेंड रखना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आपको मैं करके दिखाता हूं लाइव, देखिए यहां कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है कि यहां सिर्फ ओनली संडे की छुट्टी रखनी है, बाकी दिन वर्किंग डे रखना है, समझना कंसेप्ट, वीकेंड ओनली संडे, केवल संडे को ही छुट्टी रखनी है, बाकी दिन वर्किंग डे रखना है। तो हम यहां पर आते हैं, अब देखिए डिलीट करो इसे, आपका इक्वल वर्कडे, वर्कडे इंट यूज करेंगे इस बार। तो यहां पे रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर आफ्टर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज विद कस्टम वीकेंड पैरामीटर। कस्टम मतलब जो भी हम कस्टमाइज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हमें एक डेट लाके हमें देगा। स्टार्ट डेट क्या है 1 नवंबर कॉमा वर्कडे, वर्कडे कितने है 5। अब देखिए यहां कॉमा जैसे हम लगाएंगे तो यहां पे ना वीकेंड आ रहा है। अब यहां अगर सैटरडे संडे की वीकेंड रखना है तो 1 प्रेस करेंगे, संडे और मंडे का वीकेंड रखना है तो 2 प्रेस कर देंगे, 4 प्रेस कर देंगे, ट्यूजडे वेडनेसडे का वीकेंड हो जाएगा, रखेगा 2 दिन का। ये मतलब ऊपर के जो ऑप्शन 2 दिन के वीकेंड के लिए है ठीक है। आप चाहते केवल क्या हो ओनली संडे का वीकेंड हो तो उसके नीचे ऑप्शन आई, नीचे देखिए यहाँ पर 11 नंबर है ना, ओनली संडे की छुट्टी रहेगी बाकी दिन वर्क डे रहेगा, यहाँ पर आप 11 प्रेस कर दीजिए और ओके। आप देखेंगे 7 नवंबर की जो यहाँ पे ना डेट निकल के आ रही है, कैसे आ रही है वो हम चेक करते हैं नीचे वाली लिस्ट में। आप देखिए यहाँ पे 1 यानी यहाँ पे क्या आई है, खाली संडे को छोड़ देगा, यहाँ पे कहाँ है संडे हमारा, ये इसको छोड़ दिया देखो इसने, और यहाँ पे क्या करा कितनी डेट आ रही है हमारी 1 2 3 4 ये तो छूट गया और 5 आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ना हम वर्कडे इंट फंक्शन का प्रयोग करके भी केवल एक निश्चित दिन को भी हम वीकेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं दोबारा देखते हैं इसमें, आप चाहते हैं कि मंडे वीकेंड हो बाकी वर्किंग डे रहे, सैटरडे संडे वर्किंग डे रहे, हाँ तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, 12 प्रेस कर दीजिए सीधा और कॉमा, अगर कोई छुट्टियां भी इनके बीच में आ रही हैं, मैं एग्जांपल के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और एंटर कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे जो 9 नवंबर यहाँ पे डेट आई है वो आपका यहाँ पे निकल के आ गया है। इसमें मैंने क्या है मंडे को सिर्फ वीकेंड रखा है, बाकी दिन वर्किंग डे है। आपको पता है कि वर्क डे फंक्शन क्या करता है, पहली डेट को तो स्किप कर देता है, उसको छोड़ देता है, उसको काउंट नहीं करता है, हाँ ये डिफॉल्ट होता है वर्क डे पे, वो डिफॉल्ट होता है। अब हमने कस्टमाइज कराया तो उसको ना हम एक डेट में से 1 और छुट्टियां भी इसमें आ रही हैं 2
यानी कि एक दो तीन चार और पांच, क्योंकि संडे एक इसमें क्या संडे काउंट कर लिया, मंडे की छुट्टी है मतलब मंडे वीकेंड रखा है हमने, और फिर या फिर हॉलीडे भी बीच में देखो सात का हॉलीडे है, पांच का भी हमने क्यों नहीं काउंट किया क्योंकि पांच का भी हॉलीडे है, टू को क्यों नहीं काउंट किया क्योंकि टू का भी हॉलीडे है, अब बीच में क्या आ गया मंडे को मैंने क्या छुट्टी रखी थी, तो मंडे देखिए कहां मंडे ऑलरेडी आ रहा है, तो अब काउंट कीजिए देखिए इसको किसी कर दो पहले को वन टू थ्री फोर फाइव आ गया पांच नवंबर। तो इस तरीके से ना आपका वर्क डे इंट काउंट करता। अगर आप यहां चाहें तो हॉलीडे भी यदि आ रहे हैं बीच में तो आप उनको भी ना इसमें क्या है ऐड कर सकते हॉलीडे को भी, ठीक है। अब अगला हमारे पास है नो वीकेंड, कोई छुट्टी नहीं रखनी किसी की भी, बस पहले दिन को छोड़कर जिस दिन डेट स्टार्ट होगा उस दिन को छोड़ देगा, बाकी सबको वर्क डे कर देगा, समझे कंसेप्ट को। अब मान के चलिए हमने क्या करा कोई छुट्टी नहीं रखनी हमें, उसके लिए मैंने एक ना सेंटेक्स बनाया हुआ, आप इसे थोड़ा अध्ययन करते हैं अभी हम। जब हमें कोई छुट्टी नहीं देनी है तो उसके लिए हमें वीकेंड पैरामीटर में हमें सात बार जीरो टाइप करेंगे, सात जीरो राइट करने पर कोई वीकेंड नहीं होगा, ऊपर वाला जीरो फॉर्मेट पहला जीरो मंडे को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो पहला जीरो लगा हुआ है ना वो मंडे को आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर मैं खुद से सात जीरो प्रेस कर रहा हूं वहां पर, ठीक है। यदि हमने पहले जीरो जगह वन लिख दिया मतलब मंडे है वन पोजीशन पे, तो मंडे स्टार्ट हो रहा है वीकेंड, फिर यह फॉर्मेट सेट कर दिया जाए तो केवल सोमवार को वीकडे माना जाएगा और अंतिम जीरो संडे तक होता है, मतलब अंतिम जो जीरो है कि संडे को आइडेंटिफाई करेगा और फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है मंडे से। जब आप इस तरह का फॉर्मेट देंगे तो क्या करेगा ये मंडे से लेना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे इस पे ध्यान देना, डिफॉल्ट में तो संडे से चलता है पर जीरो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे सात बार तो क्या करेगा पहली जीरो मंडे को आइडेंटिफाई कर दिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे कैसे इसे लगाएंगे, तो एक को लिखा हमने वर्क डे, अब यहां पर हम क्या करेंगे यहाँ पे हम दोबारा से हम वर्क डे इंट यूज कर लेते हैं, आप दोनों से कोई भी यूज कर सकते हो। स्टार्ट डेट क्या आपकी ये है, क्योंकि इसमें एक यहाँ पे ये अलग ऑप्शन होता है डे कितने फाइव कॉमा, इस बार मैं क्या करूंगा डबल कोटेशन टाइम में सेवन जीरो पास कर देनी आपको, एक दो तीन चार पाँच छ सात ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बंद और एंटर, छह डेट ला के आपको दे रहा है। तो हमने क्या है मंडे पहला जीरो क्या मंडे, मतलब पहली यहाँ पे छुट्टी नहीं है कोई, अब इसका मतलब ये होगा इसका मतलब छुट्टी ही नहीं है कोई, तो आप देखेंगे पहली डे को छोड़ दीजिए एक दो तीन चार और पांच, छह नवंबर आ रहा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जब कोई छुट्टी ना देनी हो तो आप ना जीरो जीरो आप लगा दीजिए, पहला जो जीरो है हमें पता है कि वो मंडे को आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर मुझे यहां मैंने जीरो की जगह कर दिया वन, मैंने यहां कर दिया वन, तो आप देखेंगे यहां पर मंडे यहां भी होगा ना वहां छुट्टी हो जाएगी, जैसे मान के चलो मैं यहां पे वर्क डे कुछ ऐड कर रहा हूं इसे जानबूझ के मैंने सेवन कर दिया तो आप देखेंगे नौ आ रहा है, तो इसका मतलब इसने ना इसको स्किप कर दिया है, ठीक है। तो देखिए एक एक दो तीन चार पांच छ और सात हो गया, नहीं होगा हमारा काम, तो इसका मतलब इसने मंडे को क्या करा स्किप कर दिया और बाकी जो पहला दिन इसने छोड़ दिया, बाकी जो डे है अगली डे से काउंटिंग करनी स्टार्ट कर देगा और सेवन डेज उसमें ऐड करके हमें अगली डेट लाकर दे देगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 9 नवंबर को कंप्लीट होने वाला है। और इसमें भी कोई छुट्टियां वगैरह हैं तो आप यहाँ पे क्या छुट्टियां भी ना इसमें अलग से कॉमा डालकर छुट्टियां भी आप इसमें ना यहां से ले सकते हैं, जो मैंने नीचे हिंट में समझा भी रखा है। तो देखिए 11 नवंबर आ रहा है तो छुट्टियां छूट जाएंगी और जो वर्किंग डे हमारे आ जाएंगे। अब आ जाइए अगले फंक्शन पे वीक नंबर, बड़ा छोटा सा ऑप्शन है और बहुत कमाल का है। वीक नंबर क्या है देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं आपने लिखा है इक्वल आज की डेट लेता हूं मैं, एक साल के अंदर आप यदि 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 समथिंग उसमें वीक होते हैं, ठीक है। और अब एक चीज नोट करेंगे, मैंने क्या करा शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस कर दिया, डेट आ गई आज की, मैंने लिखा इक्वल वीक नंबर, एक वीक नंबर होता है फिर इधर हमने क्या करा ये कॉमा, अब इसको हटाइए रिटर्न टाइप बाद में लिखेंगे, तो वीक का नंबर पता कौन सा आ रहा है यह 48 आ रहा है, मतलब
एक जनवरी से पहले में चार हो गए, इस तरह आते आते आज का जो नवंबर चल रहा है उसका ना 48वां वीक है आज। कंसेप्ट पकड़े? अगर मैं डेट चेंज कर देता हूँ, मान लो आपने यहाँ एक जनवरी कर दिया 00122, फर्स्ट वीक आ गया, जनवरी से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ पे डेट चेंज कर दो, मैंने कर दिया 21, सॉरी यहाँ पे हम डेट ले लेंगे 21 और 01, तो इसमें शायद वीक देखना कौन सा दिखाएगा, फोर्थ वीक दिखा रहा है इसमें। चेक करें, एक बार चेक करते हैं, इधर आ जाओ, यहाँ जाइए डेट पे, बैक जाइए, जनवरी जनवरी जनवरी, ये जनवरी आ गया। तो क्या है, 21 है, आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर हमारा जो वीक है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये फ्राइडे से मान के चल रहा है जो वीक आ रहा है, ये हमारा कौन सा आ गया उसमें, ये फोर्थ वीक हमें दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, फ्राइडे तक हमें। परंतु हम देखेंगे ये तो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान चलो यहाँ अब ये क्या है, ये संडे को तो स्किप कर रहा है यहाँ पे, अब इसे डीप समझते हैं, जब समझ आएगा ऐसे नहीं आएगा आपको। मैं चाहता हूँ जैसे मान लो मेरे पास ना आज 1/1/2022, या मैंने डेट चेंज कर दी, मैंने कर दिया 101 और आज 11 मंथ है, 11-22। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे 44वां वीक, मतलब ये कह रहा है कि जो एक नंबर है वो 44वें वीक में आता है काउंटिंग के मामले में। परंतु मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये ना नवंबर में जो वीक है चार ही है, तो उसमें ना वीक मेरे हिसाब से स्टार्ट होनी चाहिए, कस्टमाइज करूंगा उनको मैं, 44 नंबर तो नहीं चाहिए, गलत रिपोर्ट जो है गलत तरीके से आएगी हमारे पास। डिफॉल्ट में क्या आपको पता है कि संडे होता है वन पे, मंडे टू पे होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार इन चीजों को, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, हम इसे चेंज कैसे करें, मैं चाहता हूँ वन आए यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो वन होना चाहिए ना, 48 नहीं होना चाहिए, इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे ना क्लिक करके आपको पता है क्या करना है, यहां कॉमा करके एक रिटर्न टाइप है, आप यहां नीचे एक बार आइए, इधर डेट पे आ जाओ और डेट में ये चेक करो कि नवंबर में एक को ट्यूजडे पर रहा है ना, तो उसका मतलब मेरा ट्यूजडे से स्टार्ट हो रहा है, समझना, मेरा जो वीक है ना एक तारीख का वो 30 तक खत्म हो जाना है, तो मुझे ना एक नवंबर से अपना वीक स्टार्ट करना, वो भी ट्यूजडे से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। तो यहां पर ना मुझे क्या करना होगा, ट्यूजडे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा यहां से। तो देखना आप यहाँ वीक आपको ना फिर क्या दिखाएगा, यहाँ पर हमने देखा ये 12, तो यहाँ पे 1 नवंबर, इसको दोबारा देखते हैं, ट्यूजडे के लिए हमारा ये हो गया, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है ट्यूजडे ही आ रहा है इस पर, तो पर ये हमारा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे से चाहता हूँ कि ये एक से स्टार्ट करे, रन टाइप में यहाँ पे हमने ले लिया, हटाओ इसे, फिर कॉमा लगाओ, इसमें है मंडे ट्यूजडे, इस पर क्लिक करो डबल और एंटर करो, 45वां वीक स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, नहीं इस डेट को एक बार मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ इसी को, नवंबर को ही, परंतु हमें चाहिए जैसे एक वीक में क्या है चार होते हैं ना, तो एक वीक तक जैसे होता ना संडे से मंडे तक क्या है, मतलब संडे तक अगला दूसरा वीक आ जाएगा ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हम कंसेप्ट सेट करना चाह रहे हैं इधर, ठीक है। हाँ मतलब हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट डे से हमारा क्या है वीकेंड जो है हमारा स्टार्ट हो, तो दोबारा देखते हैं एक बार इधर, इक्वल और वर्क डे इंट, और हमने क्या करा यहाँ पे वही है, सॉरी वर्क डे इंट नहीं, हम वीक नंबर पे हैं, सॉरी मैं यहाँ पहुँच गया, वीक नंबर, वीक नंबर, वीक का नंबर ला के दे, सीरियल नंबर क्या है ये हो गया, कॉमा यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा, और उसके बाद रिटर्न टाइप पे एक बार यहाँ डेट चेक कर लेता हूँ नवंबर की, ये नवंबर की है ना, एक नवंबर की, ठीक है, तो हमारा ट्यूजडे से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्यूजडे के लिए हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप फिर आना लिस्ट नहीं आ रही है क्या, कॉमा यहाँ पे ले लीजिए ट्यूजडे और एंटर, गलत ला के दे रहा है ये, रॉन्ग है, कटो जेड से बैक कर रहा हूँ, मैं अपनी प्राइम डेट को ले रहा हूँ, प्राइम डेट यहाँ ऑलरेडी है पहले से, यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पे 16 यूज कर रखा है,
सैटरडे से भी हमारा स्टार्ट हो रहा, पर ये है गलत क्यों आ रहा है इसमें, वो कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं बैठ रही, ये ऐसे कैसे कर रहा है फंक्शन। भाई देखो यहाँ पे ट्यूजडे आ रहा है ना, यहाँ पे ट्यूजडे ही आ रहा है और यहाँ पर भी ट्यूजडे ही था, तो हमारा एक से स्टार्ट हो रहा है ये वीक और एक से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ फिर आ क्यों नहीं रहा है। बारह में लिख दिया है हमने, ये ऐसे क्यों काम नहीं कर रहा है। मैं इस वीडियो को यहाँ पे अभी